भाई अगर हनोई में हो, वियतनाम में हो, ये ट्रिप जरूर करना, इसको मिस मत करना। इतने सारे वेज मेन्यू के साथ ऐसा व्यू मिल जाए, क्या चाहिए। केस वाला पार्क सबसे बेस्ट था भाई। ऑल राइट, सो गुड मॉर्निंग फ्रॉम वियतनाम एंड हनोई। और आज हनोई में दूसरा दिन, और भाई अर्ली मॉर्निंग उठना पड़ा आज 8:30 बजे, रेडी होके निकलना पड़ा। और हमने चेकआउट भी कर दिया इस हॉस्टल से, क्योंकि शाम को आके मैं दूसरे हॉस्टल में चेक इन करूँगा। और अभी हम लोग जा रहे हैं एक वन डे लॉन्ग ट्रिप के लिए, विच इज़ हा लॉन्ग डे। तो आई थिंक हमारी बस आ गई है, ये है या कुछ हो रहा है। तो अभी जाना है हमें हा लॉन्ग डे के लिए, वी आर वेरी एक्साइटेड। रात को बारिश हुई तो एक बार तो फट गई थी कि भाई आज टूर कैंसिल हुआ, लेट्स सी कैसा रहेगा हा लॉन्ग डे विद CATT ट्रैवल। बस मिलते हैं इस वीडियो में। You, they come for you. Later, which one we say everyone? Yes, exactly. Oi, oi, oi. So the fourth time you try. तो अभी भाई ब्रेक लगा है, होल्ड लगा है, काफ़ी देर से ट्रैवल कर रहे थे। लगभग यहाँ से मरीना का जो रास्ता है वो 2.5 घंटे का है। तो अभी एक जगह पे ब्रेक लगा है जहाँ पे हम लाइक वॉशरूम ब्रेक, हैप्पी टाइम बोलते हैं इसको, वॉशरूम को यहाँ पे। तो यहाँ पे ब्रेकफास्ट कर रहा हूँ अभी भाई, ओल्ड टाइम बानमी देख सकते हो भाई। यहाँ पे यही है सस्ता सब्वे, यही खा रहे हैं जब भूख लग रही है। तो वेज में ऑप्शन यही है, बाकी पोर्क बीफ चिकन तो भाई अगर आप खाते हो तो मौज है आपकी। घंटे की जर्नी से, 2.5 घंटे से भी ज़्यादा की जर्नी के बाद हम लोग पहुँचे हैं मरीना पे, जिस जो कि है हा लॉन्ग पे मरीना। तो यहाँ से अभी हमारा टूर स्टार्ट होने वाला है, लेट्स सी कैसा रहेगा। और हाँ, इस टूर पे आ रहे हो ना तो अपने साथ एक एक्स्ट्रा स्लीपर्स, टॉवल, स्विम सूट और ड्राई क्लोथ्स, ये इन्होंने हमें रात को मैसेज किया था कि ये लेके आना। तो ये इन्फॉर्मेशन है आपके लिए भी। और ये है हमारी टिकट। जा रहे हैं अपने क्रूज शिप में, बड़े बड़े हैं, अपर डेक भी है और नीचे रेस्टोरेंट वगैरह भी, सब कुछ है। सो ये एक ही टेबल है वेजिटेरियन के लिए, बाकी सब नॉन वेज सी फूड के लिए। अपना मेन्यू वेज का, जिसमें फ्रेंच फ्राइज, साथ में एग है। इतने सारे वेज मेन्यू के साथ ऐसा व्यू मिल जाए, क्या चाहिए। बोट में बैठते ही सबसे पहले हमारा खाना लगा दिया, वेज वालों के लिए एक टेबल होगी, नॉन वेज और सी फूड वालों के लिए अलग टेबल है। तो यहाँ पे भरपेट खाना खाओ, मज़े से कफे है, बढ़िया वाला नूडल्स है, राइस है, मतलब वेज के लोग उसमें आप सर्वाइव कर सकते हो। ऐसा नहीं है जैसे मैंने सुना था कि यार भिंडी पकड़ाते उसमें, वैसा नहीं है। तो अभी खाना खा रहे हैं, इसके बाद अपर डेक पे जाएंगे और जो एक्टिविटीज होगी आज की वो दिखाऊंगा आपको। कीप वॉचिंग। ओ भाई वहाँ पे असली नज़ारा भाई, एक्चुअल में इस जगह को एक्सप्लोर करने में, चार ठंडी हवा चल रही है, क्या नज़ारा है, अल्टीमेट। चलते हैं अभी अपर डेक की तरफ नज़ारा लूटने के लिए। ओह माय गॉड, जस्ट वाह। मस्त पार्टी बोट है यहाँ पे, आप लोग शैक पे रेस्ट कर सकते हो, यहाँ चिल कर सकते हो। और ये हमारे ड्राइवर भैया, हाय, कैन आई कम इन, हटना, लो भाई ये देख लो, और क्या चाहिए तुम्हें, ये नज़ारा भी दिखा दिया गाड़ी का। तो भाई मस्त, एकदम नीट एंड क्लीन। और इनके कुछ रडार सिस्टम्स, और ये चलो पीछे चलते हैं, लेट्स सी। दिस इज आवर स्टॉप, टीटो आइलैंड। यहाँ पे हमें 1 घंटे का टाइम मिला है
को एक्सप्लोर। यहाँ पे हम लोग स्विमिंग भी कर सकते हैं, बीच भी एरिया है, या फिर हम ऊपर भी जा सकते हैं। 500 स्टेप्स ऊपर जाना पड़ेगा टू गेट अ मेस्मराइजिंग व्यू। तो देखते हैं, अभी मन तो नहीं है जाने का, लेट्स सी क्या होता है। मिस्टर टी टॉप, जो कि सोवियत यूनियन के कोई लीडर थे, जिन्होंने यहाँ आके वॉर के वक्त इनकी बहुत ज़्यादा मदद करी थी टू गेट देम फ्री फ्रॉम द वॉर, और इन्हीं के नाम पर पूरा आइलैंड बना हुआ है। देयर इज़ अ स्विमिंग एरिया, ये बीच बना रखा है इन्होंने, आप यहाँ पे स्विमिंग कर सकते हो, और नहीं करनी तो ऊपर टॉप पे जा सकते हो, और वो भी नहीं करना तो आराम से चिल कर सकते हो, क्योंकि मौसम यहाँ पे बहुत अच्छा है भाई। ये है ऊपर जाने का रास्ता, भीड़ देखो भाई, चप्पल नहीं जा रहा ऊपर। तो भाई अपना टाइम हो गया, जिस टाइम पे उसने बुलाया था वो लॉन्ग नाम था उस बंदे का, तो चलते हैं अभी बोट पे बैठते हैं, दूसरी लोकेशन की तरफ बढ़ते हैं। सो अभी दूसरी जगह पे आए हैं और चेंज कर लिया है, क्योंकि अभी हम जा रहे हैं कायाकिंग के लिए, तो वहाँ कपड़े गीले होने का चांस है, और मैं फ़ोन से बिल्कुल रिस्क नहीं लूँगा क्योंकि मैं गोप्रो घूम कर चुका हूँ ऑलरेडी। ऑलराइट, सो अभी करके आए कायाकिंग, 10 मिनट करा, ज़्यादा आगे गए नहीं, और कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाया मैं, क्योंकि इकलौता फ़ोन है मेरा साथी, जिससे मैं रिस्क नहीं ले सकता बिल्कुल भी। कैमरा घूम कर चुका हूँ, फ़ोन रिस्क नहीं ले सकता। तो आपके वो ऑप्शन होता है, इधर यू चूज़ द बोट और यू कैन गो विद कायाकिंग। तो हमने कायाकिंग चूज़ किया था, बट भाई को बिल्कुल नहीं आता और मैं भी कॉन्फिडेंस लूज़ कर रहा था, तो इसलिए हम 10 मिनट घूम के यहीं पर आ गए। फ़ोटो वगैरह कुछ नहीं भाई, जेब से फ़ोन निकाला तक भी नहीं, देखा भी नहीं फ़ोन है। तो अच्छा था एक्सपीरियंस, आप देख सकते हो बहुत भीड़ है भाई, आपको बहुत ज़्यादा, काफ़ी सारे लोग आए हैं। लेके जा रहे हैं एक सरप्राइज केव की तरफ, जो कि अगेन 500 स्टेप्स ऊपर है, और मैं तो सो गया था भाई, नींद आ रही थी एकदम, आया उसमें क्या बहुत बढ़िया सीट पे सोया हुआ था। तो भी लेट्स सी क्या है ऊपर, इट्स 500 स्टेप्स अवे फ्रॉम माय, ऐसा नज़ारा दिख रहा है। अभी तो थोड़ा ही ऊपर आए हैं, अभी चलते हैं और ऊपर। अभी ये फर्स्ट फ्लोर फर्स्ट स्टॉप है ऊपर, और यहाँ से तो व्यू बहुत ही मस्त है, लेट्स सी आई शो यू। खतरनाक केव्स हैं ये, ओ भाई जनता को देखो उधर कितनी है। अलग ही लेवल केव्स बनी हुई है भाई यहाँ पे, तो लोगों ने ढूंढ रखे नाइस। अच्छा ये जगह मतलब, हाँ इतना क्लाइंब करके आना वर्थफुल है। दिस प्लेस इज सिंपली वाव। भाई साहब क्या जगह है। One the dragon family descending support for the Vietnamese queen in the womb, and after that dragon family didn't come back to the heaven, stay here where the dragon mother descend in the water, we call the Ha Long Bay. Where the dragon baby descend in the water, we call the Bai Tử Long Bay. Bai Tử Long is mean the dragon baby near the Ha Long city. Where the dragon tail descending, we call the Lan Ha Bay. The Lan Ha Bay the near the Cát Bà Đen, far away from here. So everyone could you guess in Ha Long Bay how many islands? ऐसा बता रहे हैं इसके अंदर डायमंड्स हैं बहुत सारे। इसके अंदर डायमंड बता रहे हैं बहुत सारे, बहुत जाओ फटाफट आ जाओ वियतनाम। और ये केव को क्रॉस करने के बाद
फाइनली यहाँ पे केयर्स वाला पहाड़ सबसे बेस्ट था भाई, यहाँ से नज़ारा उससे भी ज़्यादा बेस्ट है भाई। फाइनली ट्रिप को ना एंड, थैंक यू सो मच। वेट टॉवल के साथ हमारा स्वागत अपनी वैन में वापस फिर से। ये मेरे अपने दो रेस्टोरेंट, सम फ्रूट्स एंड फिश, दैट्स ऑल फॉर टुडे। और अब वापसी की तरफ चल रहे हैं, लाइक एक घंटा यहाँ से बोट पे लगेगा और ढाई घंटे लगेंगे बस पे, और बढ़िया सोने वाला होगा। तो सो एंड ऑफ द डे ट्रिप हमारा यहाँ ख़त्म हुआ ट्रिप, बस सबसे लास्ट में हम उतर गए अपनी बस से, क्योंकि सबसे पहले हमने बोट करी थी भाई। अगर हनोई में हो, वियतनाम में हो, ये ट्रिप जरूर करना, इसको मिस मत करना भाई, मस्ट डू एक्टिविटी है ये, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियोज़ में।